नमस्कार, न्यूज अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं श्वेता। आगे बढ़ते हैं खबरों की तरफ। फिशरीज कम्युनिटी वालों ने बताया कि एक अनऑथराइज्ड नाव बनाने वाले पर फिशरमैन कम्युनिटी वालों ने 16 नवंबर को फिशरीज डिपार्टमेंट हेड ऑफिस के सामने धरना किया था। उनका कहना है कि महेंद्र नाम के एक व्यक्ति, जो एक अनऑथराइज्ड बोट बिल्डर है, जिनका किसी भी कार्यालय में कोई नाम दर्ज नहीं है, उसने वहां के मछुआरों पर बेबुनियाद आरोप लगाकर उन्हें परेशान किया गया, जिसके कारण कोल्ड स्टोरेज में रखे मछलियों को पुलिस और फूड डिपार्टमेंट द्वारा कस्टडी में रखा गया, जिसके चलते मछुआरे अपने मछलियों को एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। कस्टडी में होने के बावजूद किसी फिशरमैन कम्युनिटी द्वारा वहां जब्त किए गए मछलियों को निकाला जा रहा था। इसी विषय में हमसे आइलैंड बोनोफाइड फिशरमैन SHG के सेक्रेटरी बी हेमा राजू और प्रेसिडेंट एस राजा राव ने बात की। आइए देखते हैं। नमस्कार, न्यूज अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ रोहित। अब हमारे फिशरीज कोल्ड स्टोरेज के यहाँ पर, जो मरीना पार्क के बाउंड्री के अंदर स्थित है, हमें अभी कुछ देर पहले फिशरमैन का कॉल आया था। उसी के थ्रू हम लोग यहाँ पर आए हैं और आइए जानते हैं कि आखिर क्या है यहाँ पर, और आइए हम इनसे जानते हैं। हाँ सर, नमस्कार सर, मेरा नाम महेश्वर है जी। मैं एक फिशरमैन का बेटा हूँ और एक सोसाइटी का सेक्रेटरी भी है जी। और बहुत बड़ा मतलब प्रॉब्लम है फिशरमैन का, कोल्ड रूम में मच्छी रखने का। फिशरमैन का रिक्वेस्ट से कोल्ड रूम ठीक करा, कोई कई सारे फिशरमैन का कोल्ड रूम में ठीक करा, और कई सारा फिशरमैन, छोटे फिशरमैन, कोई बड़ा फिशरमैन नहीं, छोटे छोटे जिसका 100 किलो, 200 किलो, 150 किलो, 1000 किलो, छोटे छोटे फिशरमैन जैसा रखता है। अभी लास्ट 1.5-2 महीने से कोविड आता है तो मच्छी जाता भी नहीं, तो फिशरमैन का मच्छी स्टॉक है, ठीक है। मच्छी एकदम बढ़िया है इधर। एक अनऑथराइज, वो फिशरमैन नहीं है, एक फिशरमैन का एक है ही नहीं फिशरमैन है, एक बोट बिल्डर है, वो एक आदमी है, उसको ऊपर रखे फिशरमैन रखे धरना किया था। लास्ट 16 नवंबर को धरना किया था, 18-16 नवंबर को धरना किया था उसका खिलाफ। मतलब कि था कि इस तरह का प्रेशर लाने से फिशरमैन मेरे को मतलब वो जगह दे देगा, वो जो हम रेप के रखा है। तो उस कौन सा जगह? वो हमारा जो चोलंगा जट्टी है, एक रैम बनाया है फिशरमैन का। कौन सा ये फिशरमैन है जिसका बारे में आप लोग कह रहे हैं? महेंद्र वो फिशरमैन नहीं, एक बोट बिल्डर है, अनऑथराइज बोट बिल्डर है। इसका ना लेबर कमीशन में रजिस्टर्ड है, इसका ना कोई GST है, ना इसका कोई डॉक्यूमेंट है, कुछ ही नहीं है। तो इस तरह का है ये आदमी। यही आदमी लास्ट मंथ में जी पंत में एक टेंडर हुआ मच्छी का, ये आदमी को डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज, ये देखो, ये आदमी को मौनपुरा मच्छी मार्केट बिक्री करता बोल के रात का टाइम उतार के मौनपुरा मच्छी मार्केट में, रात का टाइम मतलब उतार के दिया है कि ये मौनपुरा मच्छी मार्केट बिक्री करता है एक कंपनी को। ये आदमी महेंद्र बिक्री मच्छी बिक्री करता बोल के इसको सर्टिफिकेट इशू करा है, वहाँ का ग्रुप का प्रेसिडेंट के नेताजी, ये आके था कि एक ये है, कोई डेट नहीं है, कुछ नहीं है, ये अनऑथराइज आदमी है। दिखाइए आप कैमरा में, ये देखिए, एक आर मोहन राव करके मर गया मौनपुरा में, उसका बदली इसको देता करके, ये डेट नहीं है, कुछ नहीं है, सर्टिफिकेट दे दिया। ये सर्टिफिकेट का बेस में डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज एक्सपोर्ट लाइसेंस और इम्पोर्ट लाइसेंस दे दिया, ये दोनों चीज़ दे दिया। तो ये चीज़ रख के मेडिकल का टेंडर डाल रहा है, जी पंत का टेंडर डाल रहा है। एक बोट बिल्डर है, एक अनऑथराइज बोट बिल्डर है, एक अनऑथराइज बोट बिल्डर है। इंजन जिसका जो बोट बनाता है इंजन का कोई कंपनी नहीं है, ब्रांड नहीं है। ये अरिकेन की कोई कंपनी आप लोग सुना? कियोस्कर का सुना, महिंद्रा का सुना, महिंद्रा कंपनी सुना, एमा सुना, ये हरिकेन करके क्या कंपनी है? ये बोर्ड रख के बिल सब्सिडी पास करने मांगता, इस तरह का फिशरमैन को तंग कर रहा है। इस तरह आदमी को ब्लैकलिस्ट करना है, एक तरह का फेक कंप्लेंट डाला फिशरमैन के ऊपर, फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट को भी तंग किया, पुलिस डिपार्टमेंट को भी तंग किया। तो आपने इस बारे में फिशरी डिपार्टमेंट ने बात की? फिशरी डिपार्टमेंट से हमने जो JEE से बात किया, कल जाके मिला था उनसे बताया, तो उन्होंने बोला कि मच्छी हमारा कस्टडी में है, फिशरी डिपार्टमेंट कस्टडी में, बोट नहीं जाता वो क्या करेगा, हमारा तुम्हारा मच्छी तो हमको तो रखना है, इसलिए हम रखा है। फूड डिपार्टमेंट आके देखा, अलग बात है देखा, वैसे तो फूड डिपार्टमेंट डायरेक्ट आके देखना नहीं, सेफ्टी फूड सेफ्टी आके देखना नहीं है, हमसे ये भी लेना है, ये भी देख के कि डिपार्टमेंट देख सकता सब नहीं है। मगर क्या मेरा कहना मतलब क्या ना सर, इसके ऊपर ये जो महेंद्र है, इसके ऊपर फेक एलिगेशन डाला है, इसके ऊपर इंक्वायरी होना, इसके ऊपर ये होना है। देखिए इस तरह का सर्टिफिकेट देता है, आदमी मर गया सर 2020 में, 21 में तहसीलदार का रिपोर्ट में बताता है वो आदमी जिंदा है, ये देखिए। तो अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको एडमिनिस्ट्रेशन और फिशरीज डिपार्टमेंट आपको देख रहे हैं, तो आप कुछ उनसे कहिए
तो सर अभी हम लोग को जो सर ये जो बोट बिल्डर का जो है ना सर, ये हमारा जो कल आदमी लोग को फूड सेफ्टी वाला, आपका नाम क्या है? यस राजा राव है, हमारा हम मोहनपुरा फिश मार्केट ग्रुप का प्रेसिडेंट है जी, प्रेसिडेंट है हमारा जो भी हमारा जो सेक्रेटरी है। तो ये जो चीज़ है हम लोग का जो कल आके फूड सेफ्टी वाला को पुलिस वाला को लेके आके हम लोग का जो कोल्ड स्टोर जो है हमारा जो मच्छी है और भी चार पाँच जन का मच्छी है तो सबको कस्टडी कर दिया है मच्छी। ये महिंद्रा एंड कंपनी वो कंप्लेंट दिया था फूड सेफ्टी और आपका पुलिस वाला था अबड़ेन थाना से पुलिस वाला दो आए आके सब इंस्पेक्टर आके उन लोगों को कस्टडी कर दिया कि आप लोग ये कस्टडी में है, हम लोग अभी दे नहीं सकता। क्यों नहीं दे सकते? क्यों नहीं दे सकता बोलता सर, उनका कुछ जवाब नहीं बोल रहा है सर। हाँ वहाँ उनका जांच होएगा, ये होएगा वो होएगा करके बोलते सर, हम तो उतना पढ़ा लिखा नहीं है, हम लोग को तो उतना नहीं मालूम सर। अभी हम लोग कोविड का टाइम है सर, हम लोग मच्छी आता है और हम लोग यहाँ से निकोबार बेचता है सर, निकोबार बेचता है और इधर में हम लोग बाज़ार में सेल करते हैं मच्छी को, तो इस तरह करके हम लोग बेच के गुजारा कर रहे हैं सर। इस तरह हम ग्रुप का सेक्रेटरी प्रेसिडेंट है सर। आपका ये कहना है कि जो वो इंसान है महेंद्र ऐसा फेक एलिगेशन लगा रहे हैं आप लोगों के ऊपर और डिपार्टमेंट के ऊपर? तो सर अभी वो सर अभी दिखाइए, वो कल आके हमको लोग बोल रहा है कि ये लिख के दिया है मतलब कि इस तरह मच्छी खराब है ये जो है करके बोल रहा है। तो डिपार्टमेंट मच्छी रख रहा है, मच्छी देख के रख रहा है कोल्ड स्टोर में, हम लोग का मच्छी हम लोग जंगलीघाट लैंडिंग सेंटर से मच्छी ले रहा है सर, सभी ले रहा है लेके हम लोग ये फिशरीज जो कोल्ड स्टोर है मदीना पार्क का यहाँ हम लोग ला के रख रहा है। जब बोट होता है तो निकोबार बेच रहा है, फिर यहाँ सेल कर रहा है, तो इस तरह करके कर रहा है सर। अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन देख रहा है, आपको फिशरी डिपार्टमेंट के डायरेक्टर देख रहे हैं, तो आप उनसे कुछ दरखास्त खींच कीजिए कुछ बोलिए उनको। सर अभी हम लोग यही सोच सकते सर, देखिए हम लोग मच्छी को ये ऑन अतरस जो आदमी है सर इस तरह कंप्लेन करके हम लोग फिशरमैन को तंग करके रखे सर, जाली सर्टिफिकेट ये सब बना के सर, हाँ सर ये सब करके तंग कर रहे हैं सर, ये इस तरह करके सर हम लोग तंग करते हैं। हम लोग इस तरह उसका जो जगह रोक के रखा बोल के हम लोग फिशरमैन उसको मतलब ये किया मतलब वो उठाने के लिए हम लोग मांग किया, तो उस गुस्सा में मतलब सर वो उसका छीड़ में सर ये इस तरह हम लोग मच्छी कोल्ड स्टोर में वालों को भी हम लोग कस्टडी करके रखा है सर। अभी हम लोग रोजी रोटी नहीं चल रहा है सर, हम लोग इंसाफ चाहिए सर। सर मेरा नाम वी हेमराजू है जी, हम आईलैंड बोनाफाइड फिशरमैन एसएजी ग्रुप का हम सेक्रेटरी है सर। हम लोग काफ़ी साल से हम लोग यही 25 साल से यही काम कर रहे हैं, मच्छी का काम करके मच्छी मदर का लोकल में हम लोग बिजनेस कर रहे हैं। अभी अच्छा ना कि अभी हम लोग कोल्ड स्टोर रखने टाइम किसी से इंटीमेशन नहीं आया कि आप लोगों का मच्छी नहीं रखना करके, एक नोटिस भी आना है ना सर डिपार्टमेंट, कोई नोटिस नहीं कुछ नहीं है। एक अनादरे आतरे जी का बोट बिल्डर है, एक कंप्लेंट दिया तो डिपार्टमेंट फूड सेफ्टी वाला और पुलिस वाला के कल इधर में इन लोग देखने आता, देखने आने टाइम डिपार्टमेंट हम लोग पुलिस फोन करा था, हम लोग को अटेंड हुआ था, अटेंड होता हम लोग पूछा था क्या बोले से आप लोगों पर कंप्लेंट मच्छी का मच्छी खराब है, मच्छी कंप्लेंट है, हम लोग मच्छी कैसे खराब हो सकता है जब मच्छी जब मच्छी रखने टाइम में ठीक था, जब इश्यू कर रिसीव करने टाइम ठीक था, मच्छी कोल्ड स्टोर में, मच्छी कोल्ड स्टोर में तो गैस है सब कुछ है, कैसे खराब हो सकता है करके उन लोग बोलता कि पुलिस वाला हम लोग को 5 बजे बुलाया था, 5 बजे बुला के हम लोग बोला कि आप लोग मच्छी कस्टडी हो गया आज के लिए जाँच होगी आप लोग निकाला नहीं करके, फिर हम लोग बोला हम लोग तो पर सर उसका जो वैल्यूएशन है मच्छी का कुछ भी हो सकता, हम लोग जरूरत का टाइम नहीं मिलेगा तो वेस्ट हो जाएगा, उन्होंने उसको हम लोग नहीं जानता आप लोगों तो बाकी ऊपर अथॉरिटी से बात करें बोलना। इसके बाद में हम लोग को तुम्हारे मतलब आपका अभी क्या कहना है एडमिनिस्ट्रेशन को, आप क्या बताना चाहते हैं डिपार्टमेंट को, आप क्या बताना सर हम एक ही बात क्लियर कट बताइए सर जी। जब वो पुलिस हम लोग को जो SHO है ना वो बताया कि सारा मच्छी कस्टडी हो गया सबका बाजार थाना का सबको कस्टडी होने से हम लोग सभी सोचा कि सभी का कस्टडी करेंगे। अभी सुबह से भी एक पार्टी आया था अपना मच्छी निकालना शुरू कर दिया था, फिर हम लोग वही पूछा था कैसे कस्टडी सबको कस्टडी होना उनको कैसे इशू करते हैं, डिपार्टमेंट से कोई जवाब नहीं है डिपार्टमेंट से, हम लोग डिपार्टमेंट से यही बोलता है कि ये मतलब सिर्फ आप लोगों का ऊपर प्रतिबंध लगाया है, बाकी सब अपना काम कर सकते हैं। निकाल के रखे सर, उधर गाड़ी है, गाड़ी में दिखाइए, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा जरा दिखाने के लिए मच्छी निकालता सर, उसके लिए हम लोग पूछा तो जवाब नहीं है डिपार्टमेंट के लिए, आप ये गाड़ी का वो मच्छी का आप थोड़ा से फोटो खींच ले सर जी। मतलब आपका ये कहना है कि ये गाड़ी वाला आके निकाल रहे हैं मच्छी निकाल रहे है। जो आप लोगों को ऊपर आप लोगों को मतलब मच्छी निकालने के लिए मतलब मना की है, बट ये लोग अपना आदमी लोग को दे रहे हैं, आपका इसमें फिश लोड हो रहा है जी सर, इसमें फिश लोड करके रखा है, कानून बोल से सबको एक ही होना सर, सबकी होना है, सभी का मच्छी कस्टडी करके कल बताया कि सभी कस्टडी करके रखा है, हम लोग इसे ठीक एक्सेप्ट कर लिया था, आज अचानक एक पार्टी आके मच्छी निकालना शुरू किया था, ये कहाँ का सर ये कानून है, सबके लिए तो एक ही होना कानून,
एक पार्शलिटी करता है, एक एक आदमी के अंदर में ना इस तरह डिस्प्यूट करके ना सर हम लोग कम्युनिटी को भी तोड़ना फोड़ना शुरू करता है। ये डिपार्टमेंट का बहुत बड़ा कमजोरी है सर हमारे, देखिए इतना बड़ा इशू होने के बाद में इधर में ना असिस्टेंट डायरेक्टर आया कि डायरेक्टर आया कि कोई नहीं आता, अपना हाथ साफ करके सर ऑफिस में बैठा है। हम लोग अभी सर आप आने के पहले हम जेई को बुलाया था, वो जेई आने नहीं मांगता सर। इसके लिए ये जो कोल्ड स्टोर में सर इश्यू किया जो चारा है ना सर, उनसे भी आपको इंटरव्यू लीजिए सर। देखिए यहाँ पर ये तो पार्शियलिटी हो रही है। एक गाड़ी को वहाँ पर मच्छी निकालने दिया इन लोगों को, मछुआरों को, चेयरमैन कमेटी के लोगों को, और यहाँ पर और एक ट्रक खड़ी है जिनको नहीं निकालने दे रहे हैं। तो ये कैसा न्याय है? अमिनी से बात करते हैं, आइए। क्यों सर आप लोगों को नहीं निकालने दे रहे हैं? सर यही तो मालूम है सर, कल पुलिस वाला हम लोग बोलने के बाद हम लोग तो चुप हो गया सर। जो डिसाइड जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो हिसाब से हम लोग रहना मांगता था। सर आपको अभी थाना से कॉल आया था ना क्या? नहीं वहाँ आया, अभी जाने के हम लोग जाएगा, अभी थाना से कॉल जाएगा। पर अभी थाना जो सर भी बोल रहे कि आगे मिलिए, हम बोले सर वो बच्ची सबका है, सबका एक साथ फैसला करें, सबका निकालने दो, एक का निकालने कैसे दे रहा? आप ही बोला कि सारा कस्टडी मेरा में, तो कहीं ना कहीं ये तो नेग्लिजेंस है। ये तो ठीक है, ये तो पार्शियलिटी है, एक को देकर एक को नहीं देकर। तो मैं अपने एडमिनिस्ट्रेशन से कहना चाहता हूँ जल्द से जल्द इन पर नज़र बनाएं और इनके साथ न्याय करें, क्योंकि अगर आप एक के साथ न्याय करेंगे तो एक के साथ अन्याय करेंगे, तो बहुत ही बड़ा गलती है। और फिशरी डिपार्टमेंट को भी मैं कहना चाहता हूँ जल्द से जल्द इस पर इन लोगों का जो सॉल्व करें। सर ये बड़ा कोल्ड स्टोर, दो कोल्ड स्टोर है, तीन रूम है, ये तीन रूम को सुनामी के बाद बंद कर दिया। इसको जितना मिशन निकाल के उन लोगों को बिक्री करते ऑप्शन कर दिया, इसके बाद इसको तो आज तक इसको चालू नहीं करा दोबारा। हम लोग बहुत बार डिमांड किया कि हम लोग कोल्ड स्टोर चालू करना कर दिए, हम लोग बात करिए डायरेक्टर पीछे सुनता नहीं सर। एडमिनिस्ट्रेशन में कई बार हम लोग लेटर लिखा, एडमिनिस्ट्रेशन इसका एक्शन नहीं लेता नहीं। ठीक है जाती, मैं रोहित कैमरामैन के साथ न्यूज अब तक, धन्यवाद। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज अब तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज अब तक, अब सच देखेगा अंडमान।